रूस यूक्रेन जंग में अब सुपर पावर अमेरिका और रूस सीधे टकराने जा रहे हैं और इस टकराव का वर्ल्ड वॉर में बदलना भी तय है। सुपर पावर की सीधी टक्कर की रिपोर्ट एक सीनियर अमेरिकी सैन्य अधिकारी के हवाले से सामने आई है, जिसके मुताबिक रूस किसी भी वक्त टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन चलाने वाला है। और यह सिर्फ आंकलन नहीं है बल्कि इसके साफ संकेत भी मिल रहे हैं। रूस जमीन से आसमान तक जो जाल बिछा रहा है वो अमेरिका से ही टकराने का संकेत है। रूस की इस चाल को भांपने के बाद अमेरिका ने भी अपनी न्यूक तैयारी का पावर शो लॉन्च कर दिया है। पुतिन की वो कौन सी बिसात है जो वर्ल्ड वॉर का अलार्म बजा रही है? आखिर क्यों अमेरिका को न्यूक्लियर तैयारी शुरू करनी पड़ी? इन सभी सवालों का जवाब सुपर प्राइम टाइम की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रूस अमेरिका दोनों के बॉम्बर तैयार। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। होगा परमाणु प्रहार, छिड़ने वाला है वर्ल्ड वॉर। व्हाइट हाउस को एक ऐसा खुफिया इनपुट मिला है जिससे अमेरिका ने अपने बॉम्बर वॉर रेडी कर दिए। अमेरिका के एक बड़े सैन्य अधिकारी को जानकारी मिली है कि परमाणु विस्फोट की आशंका कभी भी भयावह वास्तविकता बन सकती है। आशंका है कि रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का परीक्षण कर सकता है। ये टेस्ट ब्लैक सी में किया जा सकता है। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के परीक्षण का मतलब है युद्ध में हार को जीत में बदलने की तैयारी। क्रेमलिन की फाइलों से निकली इस खुफिया जानकारी के बाद अमेरिका ने भी अपने परमाणु बॉम्बर युद्ध के लिए तैयार कर दिए। मिसूरी के व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस पर अमेरिका के B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स ने उड़ान भरी। इन बॉम्बर्स ने जिस पोजीशन में उड़ान भरी उसे एलिफेंट वॉक कहा जाता है। एलिफेंट वॉक का सीधा मतलब है दुश्मन को चेतावनी, अपनी ताकत का प्रदर्शन। अमेरिका ने स्टेल्थ बॉम्बर रूस को चेतावनी देने के लिए उड़ाए। अमेरिका ने कहा है कि उसके B-2 बॉम्बर धरती के किसी भी हिस्से पर हमले के लिए तैयार हैं। क्रेमलिन से निकली खुफिया जानकारी और B-2 बॉम्बर की उड़ान वर्ल्ड वॉर छिड़ने की आशंका के सबसे बड़े संकेत हैं। व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस से अमेरिका के बॉम्बर्स ने उड़ान भरी तो रूस ने अपने SU-30SM और SU-35S फाइटर जेट उड़ाकर चेतावनी जारी कर दी। रूसी विमानों ने बॉम्बर्स को कवर करने और उन पर हमला करने का युद्धाभ्यास शुरू कर दिया, यानी टकराव हुआ तो महाविनाश। अमेरिका से टकराने के साथ साथ रूस ने यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी पूरी कर ली है। यूक्रेन पर लगातार बम वर्षा करके युद्ध के मैदान में पहुंचने वाला है TU-22M3 बॉम्बर। ये महाविनाशक बॉम्बर पहले से ज्यादा घातक, पहले से ज्यादा अपडेट हो चुका है।
रूस की डिफेंस फर्म ने TU-22M3 बॉम्बर सेना को डिलीवर कर दिया है। ये बॉम्बर लॉन्ग रेंज मल्टी मॉडल मिसाइल कैरियर है। इसका अपडेटेड वर्जन रूस को कुछ साल बाद मिलना था, लेकिन इस बॉम्बर को तय समय से पहले अपडेट किया गया है। यूक्रेन को इनपुट ये मिला है कि इस बॉम्बर के जरिए पूरे यूक्रेन पर बम वर्षा की जा सकती है। पुतिन ने तीन मोर्चे पर बड़ी तैयारी की है। फाइटर जेट और बॉम्बर उतारने के साथ ही महासागर में भी महाविनाशक मिसाइलें तैनात कर दी। रूस के कैलिबर कैरियर भूमध्य सागर और ब्लैक सी में गश्त लगा रहे हैं। इन कैरियर्स पर 84 कैलिबर मिसाइल तैनात है। ब्लैक सी में एक कैलिबर क्रूज मिसाइल कैरियर 8 मिसाइलों के साथ उतारा गया है, तो भूमध्य सागर में 5 कैलिबर क्रूज मिसाइल कैरियर कुल 76 मिसाइलों के साथ ऑर्डर के इंतजार में है। जल थल और नभ तीनों तरफ से यूक्रेन पर परमाणु हमले की बढ़ती आशंका के बीच नेटो और अमेरिका ने यूक्रेन को हाईटेक हथियारों की मदद पहुंचाने का फैसला ले लिया है। नेटो ने कहा है कि यूक्रेन को MiG-29 और F-16 फाइटर जेट देने पर विचार किया जा रहा है। नेटो ने पहले यूक्रेन को फाइटर जेट देने से इनकार कर दिया था। यूक्रेन में लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार भी पहुंचाए जा रहे हैं। लातविया के विदेश मंत्री ने कहा है कि नेटो यूक्रेन को अपने हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत दे, ताकि रूस के मिसाइल लॉन्चिंग ठिकानों पर बड़े वार किए जा सके। अगर यूक्रेन को इन हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत मिली तो रूस की मुश्किल बढ़ना तय है, क्योंकि अभी जो हथियार यूक्रेन को मिल रहे हैं वही रूस की मुसीबत बने हुए हैं। नवंबर को ही फ्रांस ने यूक्रेन को नए MLRS यानी मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम भेजे। इन्हीं हथियारों के दम पर यूक्रेन रूस को युद्ध में पछाड़ रहा है। अमेरिका से मिले हाईमार्स, ब्रिटेन से मिले ब्रिमस्टोन, यूरोपीय देशों से मिले जैवलिन मिसाइल जैसे घातक हथियार रूस के हमलों को नाकाम भी कर रहे हैं और रूसी सीमा के नजदीक तक फायर भी कर रहे हैं। रूस लगातार यूक्रेन पर मिसाइल हमले कर रहा है, लेकिन सारे मिसाइल हमले कामयाब नहीं हो रहे, क्योंकि अमेरिका और यूरोप से मिले एयर डिफेंस सिस्टम रूस की मिसाइलों को ध्वस्त कर रहे हैं। लैसम्स, एवेंजर, आयरिस जैसे एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन की चारों दिशाओं में तैनात कर दिए गए हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस के 50% से ज्यादा मिसाइल अटैक नाकाम कर दिए जाते हैं। रूस की एक मिसाइल नष्ट होने से लाखों डॉलर तबाह होते हैं। रूस ने एयर डिफेंस सिस्टम से निपटने का एक तरीका निकाला है। रूस की तरफ से बिना वॉरहेड वाली मिसाइलें दागी जा रही हैं। एयर डिफेंस सिस्टम इन्हें ट्रेस करने के बाद फायर करता है। इस तरह एक बेकार मिसाइल को गिराने में यूक्रेन के एयर डिफेंस की मिसाइलें खर्च हो रही हैं। इस तरह अमेरिका यूरोपीय देशों पर मिसाइल सप्लाई तेज करने का दबाव पड़ रहा है। यूक्रेन को मिले एयर डिफेंस सिस्टम से तो रूस निपटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके लिए असली परेशानी खड़ी होने वाली है यूक्रेन को मिलने वाले लॉन्ग रेंज वेपन से और यूक्रेन की आगे बढ़ती फौज से, जिनका डर रूस में फैलने लगा है। खेरसोन खाली करने के बाद यूक्रेन की फौज रूस के बॉर्डर के नजदीक पहुंचती जा रही है। यूक्रेन की सेना बेलगोरोद से 40 किलोमीटर दूर है। बेलगोरोद पर पहले से हमले हो रहे हैं।
पिछले हफ्ते बेलगोरोद में 4 लोगों की मौत हो गई थी। रूस ने कहा है कि यूक्रेन की आर्टिलरी के धमाकों से लोग मारे गए। बेलगोरोद में लोग बम शेल्टर में पहुंचने लगे हैं। डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक मॉस्को में भी लोग बम शेल्टर बना रहे हैं। यहाँ तक कि यूक्रेन बॉर्डर से 2000 किलोमीटर दूर नोवोकुज़्नेत्स्क शहर में लोगों को यूक्रेन के हमले का डर है और वो बंकर बनाने लगे हैं। रूस ने जो युद्ध 9 महीने पहले शुरू किया था अब वही उसका संकट बन गया है। इसीलिए आशंका है कि रूस कभी भी परमाणु युद्ध शुरू कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।